देखो शीट नंबर 78, अर्थ मैग्नेटिज्म में हमने अभी तक क्या किया, अर्थ का मैग्नेट हमने देख लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफिक मेरिडियन बता दिया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बता दिया, डिप बता दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो वैल्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलेंगी मिलेंगी किसी ना किसी एग्जाम में। इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप हमेशा ज़ीरो रहता है। क्यों ज़ीरो रहता है? जो इक्वेटर है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये इक्वेटर है, ये रहा इक्वेटर, लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा इक्वेटर पे ऐसे एंटर करती है, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंटर कर जाती है। तो जब लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंटर करती है तो एंगल ऑफ डिप हमेशा किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल के साथ। भाई लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही चली गई, एंगल ऑफ डिप भी एच हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, तो एंगल ऑफ डिप क्या बनेगा? जीरो। और जो पोल्स हैं उसमें लाइन बिल्कुल सीधी नहीं गिरती है, ऐसे गिरती है, 90 डिग्री पे गिरती है। तो सीधा गिरने के मतलब, गिरने का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल क्या बनाया? 90। तो इसलिए दो टर्म्स कभी नहीं भूलना, इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप जीरो है और पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप 90 है। कोई डाउट इसमें? ये मैंने दिखा दिया आपको, एक मैग्नेटिक नीडल को आपने टांग दिया, उसने यहाँ पॉइंट किया, तो यानी कि लाइन ऐसे एंटर कर रही है, बताया मैंने, लाइन देखो ये ऐसे एंटर कर रही है अभी, तो जहाँ पे बी एंटर कर रहा है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और पीछे वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है वो क्या होगा? बी इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा? बी इंटू साइन ऑफ डेल्टा। और डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा? टैन डेल्टा इज इक्वल टू क्या? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। और नेट बी की वैल्यू आपके सामने है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, वैसे आती नहीं है बट ठीक है, कहीं से मैंने पढ़ ली, मैंने भी लिख दी। क्या आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं? लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन। तो मान लो अर्थ के ऊपर ऐसे दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जहाँ पर डेक्लिनेशन थीटा सेम है, वहाँ पर जो लाइंस एंटर करेंगी जहाँ सेम डेक्लिनेशन होगा उसको आइसोगोनिक लाइंस बोलते हैं, आइसोक्लिनिकल लाइंस बोलते हैं। जहाँ पर एंगल ऑफ डिप सेम है, अर्थ की कई लोकेशन है जहाँ पर एंगल ऑफ डिप सेम आएगा, तो वो जो लाइंस हर लोकेशन पे वहाँ पर एंटर करेंगी जहाँ एंगल ऑफ डिप सेम है उसको आइसोक्लिनिकल लाइंस बोलते हैं। एंगल ऑफ जीरो डिप, इक्वेटर के ऊपर जितनी भी लाइन एंटर करेंगी उसका एंगल ऑफ डिप हमेशा क्या होगा? जीरो। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिप। और आइसोडायनेमिक लाइंस में लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, तो जहाँ जहाँ अर्थ की लोकेशन में एच सेम है, जो लाइन उस प्लेन में एंटर कर रही है उसको बोलते हैं आइसो डायनेमिक लाइंस।